तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा कमेंट्स किए जाने वाला क्वेश्चन, उसके ऊपर आज वीडियो है ये, और आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। मुझे इंस्टा पे, कमेंट्स पे, व्हाट्सएप पे, 1-to-1 बहुत ज़्यादा ये कमेंट्स आ रहा था कि इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। जो क्वेश्चन है कि कंपनीज़ बोल रही हैं कि रिज़ाइन डालो, या कंपनी टर्मिनेट कर रही है, या कंपनी बोल रही है रिज़ाइन डालो, तो क्या उससे लाइक जॉब मिलेगी आपका जब टर्मिनेशन हो जाएगा, या आप रिज़ाइन डाल दोगे, क्या नेक्स्ट कंपनी में कभी जॉब मिलेगी। तो आज पूरा क्लियर इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, और आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, जितना भी डाउट है आपका पूरा क्लियर होने वाला है। बात करेंगे टर्मिनेशन और रिजिग्नेशन के बारे में, जो ये कोविड में चल रहा है। तो मैं बता दूँ, डू नॉट रिज़ाइन एट एनी कॉस्ट। आप किसी भी कंडीशन में कंपनी को रिज़ाइन मत डालो। जी हाँ, आप ये सुन के शॉक्ड हो गए होगे कि कंपनी को रिज़ाइन नहीं डालेंगे तो वो टर्मिनेट कर देगी। और अगर कंपनी ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि वो आपको रिज़ाइन डलवाएंगे या वो आपको टर्मिनेट कर देंगे, अब जब कंपनी ने डिसाइड कर लिया है तो आप टर्मिनेट तो कर ही देंगे। कंपनी को बोलो, कंपनी के एचआर को बोलो, जो आपको बोल रहा है कि टर्मिनेट करो, कि नहीं मैं रिज़ाइन नहीं डालूंगा, आप मुझे टर्मिनेट करो, मुझे आपके एंड से टर्मिनेशन लेटर चाहिए ऑन मेल। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर कंपनी टर्मिनेशन लेटर दे देती है, ये करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको टर्मिनेशन लेटर मिल गया तो वो फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। एंड दोस्तों, ये केवल एक कंडीशन पे सही होता है कि अगर आपका कंपनी में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, अनएक्सपेक्टेड ब्रेक्स हैं आपके, आपने बदतमीजी कर दी, आपने किसी को छेड़ दिया, जी हाँ, तब ये टर्मिनेशन लेटर आपके फ्यूचर के लिए ख़राब होता है इन सब कंडीशंस पे। एंड दोस्तों, अगर कंपनी मेंशन करती है कि ड्यू टू कंपनी ऑन इशू, लाइक कंपनी बंद हो रही है, कंपनी लाइक अभी जो लॉकडाउन चल रहा है कोविड में, कंपनी का टर्नओवर नहीं आ रहा है, तो अगर इस तरीके की कोई कंडीशन है कंपनी में, नो डाउट आप टर्मिनेशन लेटर लो। कंपनी से टर्मिनेशन लेटर में यही मेंशन कराओ, या तो कंपनी बंद हो रही है, टर्नओवर नहीं आ रहा है, या कोविड की वजह से कंपनी टर्मिनेट कर रही है, तो ये चीज़ें मेंशन कराओ। बट जो मैंने प्रीवियस बताया ना कि लाइक अनएक्सपेक्टेड ब्रेक्स या लो परफॉर्मेंस की वजह से, तो आपको प्रॉब्लम करेंगी। अगर ये सारी कंडीशन है, लाइक कंपनी बंद हो रही है, टर्नओवर नहीं है कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो आप कंपनी से लाइक टर्मिनेशन लेटर ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, आपके फ्यूचर के लिए कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा। और हाँ दोस्तों, आपके एंड से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, आपके एंड से कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और कंपनी से वहाँ पे मेंशन कराओ कि वो किस वजह से मुझे निकाल रही है, बस ये प्रीवियस कुछ पॉइंट नहीं होने चाहिए। एंड जो सेकंड है क्या, कि जब आप किसी नेक्स्ट कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे जो एचआर होगा या कंपनी होगी, तो आप के लिए वो डाउटफुल नहीं होगी बिल्कुल भी कि आपकी कंपनी ने आपको टर्मिनेट किया, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, और आपको एक न्यू जॉब पाने में भी कोई चैलेंजेस नहीं होंगे, आपको बहुत आसानी से नई जॉब मिल भी जाएगी। आपकी परफॉर्मेंस वगैरह एकदम ओके है और कंपनी वो मेंशन नहीं कर रही है कि टर्नओवर की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, देन आप चाहो तो कोर्ट पे भी जा सकते हो, या लेबर कमीशन पे भी जा सकते हो, वहाँ उसके खिलाफ आप केस दर्ज करवा सकते हो, ऐसा भी रूल है, बट कोई लफड़े में पड़ना नहीं चाहता। एंड दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लाइक किसी कंपनी के खिलाफ कोर्ट करवाते हो या लेबर कमीशन पे जाते हो, तो ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ पे गए तो आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके फ्यूचर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, आप जा सकते हो, बट फिर क्या है ना कि एक थोड़ा सा लफड़े में पड़ना, थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स क्रिएट करना अपनी लाइफ में, बट अगर आप सोचो कि फ्यूचर को इम्पैक्ट करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नो डाउट, अगर आप फिर भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो अगर आप कोर्ट पे या लेबर कमीशन पे वहाँ पे जाते हो, तो मेक श्योर कि आपका जो बिहेवियर है वो एकदम पोलाइट होना चाहिए, वो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आपने अपने बिहेवियर में चेंजमेंट किए, तो समझ लो फिर वो मतलब कंपनी को एक पॉजिटिव पॉइंट मिल जाएगा, और आपके टर्मिनेशन लेटर में वो मेंशन कर देगा, तो फिर आपके पास कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा उससे अप्रूव कराने के लिए या उसको बताने के लिए। सो आपका बिहेवियर जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और पोलाइट होना चाहिए। एक दो होते हैं कि लाइक कंपनी अगर आपको बोले रिजाइन करने के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा सेविंग होती है पैसे की, लाइक आपको आपने रिजाइन डाला, वो एक दो दिन में कंफर्म कर देते हैं, ठीक है आप लीव कर दो। फॉर एग्जांपल, मान लो आपकी सैलरी या मेरी सैलरी 10,000 है, तो वहाँ पे अगर ऐसे ही 50 एम्प्लॉय को रिजाइन डलवा रही है, तो एक महीने का बहुत ज़्यादा उनका बैलेंस बनता है, तो इस वजह से वो रिजाइन डलवाते हैं, तो अपना पैसा भी बचाते हैं। जो सेकेंड होता है, वो एक मार्केट में अपना स्टैंडर्ड बनाए रखना चाहते हैं, मतलब एक लाइक जो रेटिंग होता है ना, बोलते हैं 4.3, 4.5 रेटिंग ऐसे कुछ, तो वो एक लाइक बेस्ट स्टैंडर्ड अपना रखना चाहते हैं। दैट्स द रीज़न कि कंपनी नहीं चाहती हम एम्प्लॉय को टर्मिनेट करें, वो खुद रिजाइन डलवाती है।
बोलते हैं ना हिंदी में कि हमेशा एम्प्लॉय की प्राथमिकता हमेशा ऊपर होती है देन आपकी कंपनी की। बस आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा और अपने सिचुएशन के हिसाब से आपको डील करना पड़ेगा उस टाइम। और ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, अगर कंपनी टर्मिनेट कर रही है उससे रीज़न लो कि मुझे क्यों टर्मिनेट करी, देन आप नेक्स्ट कंपनी में जाओगे, कोई डाउट नहीं होगा, आप जॉब भी इजीली से आपको मिल जाएगी। तो बस यार दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और मेरे अदर वीडियो जो आपको यहाँ पे आ रहे होंगे आप उस पर क्लिक करके मेरे अदर वीडियोज़ भी आप देख सकते हो। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत एंड बी सेफ।